Hey guys, I'm Preeti and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बायो ऑयल का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल यूजेस हैं एंड कुछ मैं मिथ्स भी बस्ट कर रही हूँ जो लोगों को लगता है बायो ऑयल के बारे में. सो गाइज, ये है मेरे पास बायो ऑयल की एक बॉटल. आई होप यू गाइज कैन प्रॉपरली सी इट. और ये मेरे पास है 200 ml की बॉटल. इस बॉटल पे प्राइस लिखा है 900 rupees, बट इससे छोटे साइजेस में भी आती है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. अब गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट पे क्या लिखा है और वो क्या क्लेम करता है, उसके बाद आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. गाइज, इस पे लिखा है स्पेशलिस्ट स्किन केयर ऑयल. इसको आप स्कार्स में यूज कर सकते हैं. हेल्प्स इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड स्कार्स. इसको आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैच है जो मैं आपको भी बता रही हूँ. हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेच मार्क्स फॉर्मिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टीनेज ग्रोथ एंड पीरियड्स ऑफ रैपिड वेट गेन, एंड हेल्प्स इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेच मार्क्स. थर्ड, आप इसको अनइवन स्किन टोन के लिए भी यूज कर सकते हैं. हेल्प्स इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्किन टोन इन बोथ लाइट एंड डार्क स्किन टाइप्स. फोर्थ, आप इसे एजिंग एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे अपने लेट 20s से एजिंग के बेनिफिट्स के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है. बिकॉज गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, ड्राई स्किन वालों को सबसे पहले एजिंग आती है, ऑयली स्किन वालों को उतनी जल्दी नहीं आती है. बिकॉज ड्राई स्किन डिहाइड्रेटेड होती है और एजिंग जो होती है वो इसी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ही स्टार्ट होती है. हेल्प्स स्मूथ एंड टोन एजिंग एंड रिंकल स्किन ऑन बोथ द फेस एंड बॉडी एंड हेल्प्स रिटेन मॉइस्चर. उसके बाद गाइज, इस पे लिखा है एप्लीकेशन. ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम है. गाइज, यहाँ पे लिखा है अप्लाइज ट्वाइस अ डेली फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अप्लाई फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो अगर आप इसे प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स की वजह से यूज करना चाहते हैं तो आपको इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, होने के बाद नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही आपको इसे स्टार्ट करना है. रिजल्ट विल वेरी, सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन एंड नॉन कोमेडोजेनिक. इट मीन्स ये आपके पोर्स भी क्लॉग नहीं करेगा. मैं स्ट्रेच मार्क्स का आपको कुछ ऐसे प्रूफ वगैरह नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मेरे कोई इशू नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने आपको वो बताया जो इस पे लिखा है कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना चाहिए. सेकंड मिथ जो गाइस मैं बस्ट कर रही हूं कि आप बायो ऑयल को फेस पे नहीं लगा सकते. ट्रस्ट मी, आप बायो ऑयल को फेस पे लगा सकते हैं. मेरा ड्राई स्किन है और मैं इसे 2 साल से एज अ फेशियल ऑयल यूज करती हूँ, समर्स में भी विंटर्स में भी. गाइज, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही लाइट वेट ऑयल है, बहुत ही इजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. इसमें यहाँ पे लिखा भी है, इसमें एक इंग्रेडिएंट है पर्सिलिन, जिसका बेसिकली काम ही क्या है, पर्सिलिन कंटेन्स द ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट कॉल्ड पर्सिलिन ऑयल विच रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड मेक्स इट इजीली एब्जॉर्ब. तो इस वजह से स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. फेस पे लगाने के बाद फेस बिल्कुल चिपचिपा, टैकी, ऐसा कुछ भी नहीं लगता. इससे पहले मैं पामर्स का फेशियल ऑयल लगाती थी, बट जब से मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने नहीं लगाया है. तो ये मुझे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद है. अभी तक मैंने कई सारे फेशियल ऑयल्स ट्राई किए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अब तक मेरी स्किन को ये सबसे ज्यादा सूट कर रहा है. मेरी स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सफल बना देता है. सो ड्राई स्किन वाले इसे फेस पे जरूर ट्राई करें. इवन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्किन टाइप के लोग इसे फेस पे भी लगा सकते हैं. दिस इज फॉर फेस एंड बॉडी. तो ये एक मिथ है कि आप बायो ऑयल को फेस पे नहीं लगा सकते, या फिर आप बायो ऑयल को सिर्फ तभी लगाएंगे अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है. ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं. यू कैन यूज इट फॉर स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स, अनइवन स्किन टोन. तो अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ट्राई कर ले, बिल्कुल नहीं जाएगा तो फेड तो हो ही जाएगा. एजिंग एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, तो इसके पूरे 4 बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं. अगर आप इसे प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स की वजह से लगाने वाले हैं तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर से ही यूज करें. ये इस पे साफ साफ लिखा है, बिकॉज एंड में सब कुछ हो जाने के बाद आप लगाएंगे तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना ज्यादा आप अगर इसे स्टार्टिंग से ही लगाएंगे. सो गाइज, मुझे आपके साथ यही कुछ मिथ्स बस्ट करनी थी. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट. मेरा जो स्किन है वो कभी कभी ब्रेकआउट भी करता है, स्पेशली व्हेन आई एम पीएमएसिंग, अदरवाइज मेरी स्किन को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं करता है. और इस पे साफ साफ क्लियरली लिखा भी हुआ है कि दिस इज अ नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट, इट मींस इट वोंट क्लॉग योर पोर्स. गाइस, ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टिल मैं एक बार ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कभी भी आपको फेशियल ऑयल जब आप फेस पे लगाते हैं तो सबसे पहले फेशियल ऑयल को नहीं लगाना चाहिए. ऑलवेज सबसे पहले आपको
मॉइस्चराइजर्स की लेयरिंग की बात कर रही हूँ मैं. सबसे पहले आपको सीरम लगाना है, उसके बाद आपको अपनी क्रीम लगानी है, एंड देन उसके बाद आप फेशियल ऑयल लगाएंगे. ऑलवेज रिमेम्बर दिस, कभी भी फेशियल ऑयल को नंबर वन स्टेप मत रखिए आप स्किन केयर रेजिम का. सो गाइज, मुझे तो इस प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है मेरी ड्राई स्किन के वूज को कॉम्बैट करने में. आई होप ये रिव्यू जो है और ये जो मिथ बस मैंने किए ये आप लोग को भी हेल्प करेगा. जिसको भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है इसे आप जरूर ट्राई करें, और जिसका बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन है उन लोग के लिए भी बिल्कुल सेफ है. बिकॉज इस पे लिखा है दिस इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. तो सेंसिटिव स्किन को भी इसको लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयली स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज अ नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट. सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो समहाउ आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. और प्लीज गाइज, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में. अंटिल देन, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश. बाय बाय.